लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। घर से भागकर दो बच्चों की मां ने कर दी सड़क पर शादी, हैरान कर देगी यह प्रेम कहानी। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को भी किसी से भी हो सकता है। मोहब्बत कभी भी जात पात और आयु नहीं देखता। ऐसा ही घटना बिहार के खगोड़िया में देखने को मिला है, जहां दो बच्चों की मां ने 27 साल के युवक के साथ भागकर शादी की है। दरअसल कविता और राजू बचपन के दोस्त है, और आपको बता दें 2015 में कविता के पति का कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के कारण मौत हो गया है। पति के मौत के बाद राजू कविता की सहारा बनी। कहते हैं ना प्यार दोस्ती से बनता है, उसी तरह दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन घर वालों और गांव वालों के विरोध के कारण दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे थे। आपको बता दें इस वजह से दोनों घर से भागकर शादी करने की फैसला कर दिया। जब वे घर से भाग रहे थे तब गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और पंचायत बुलाया गया। सरपंच शायद प्यार को समझता होगा, इसलिए दोनों को सड़क पर ही शादी करने की फरमान सुना दी। उसके बाद दोनों सड़क पर ही शादी कर ली, जिसमें ना बैंड था, ना बाजा, ना ही कोई बाराती। बीच सड़क पर प्रेमी ने प्रेमिका के मांग में सिंदूर डाला, जिसके बाद लड़की ने भी वरमाला पहनाई और रास्ते से गुजर रहे लोगों ने आशीर्वाद दिया। दोस्तों आप सरपंच चौर इस छोटी सी लव स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और आगे भी ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो कर देना।